नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिफेंडर्स बियॉन्ड की सीरीज। दोस्तों यह सीरीज मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है जो लिखी है एल्विंग ने और जेवियर रॉड्रिक्स ने, और ये स्टोरी जस्ट ऑसम है। ये सीरीज डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद शुरू होती है, और अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो वो भी देख लेना, मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो गाइस ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज का आखिरी स्पेल देखते हैं जो मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था। ये स्पेल बेसिकली उसके सोल का एक हिस्सा है जो ब्लू मार्वल के पास आता है। तभी हम ब्लू मार्वल को देखते हैं। तभी ब्लू मार्वल ऑडियंस से कहने लगता है कि मेरा नाम है एडम बशीर और मुझे ब्लू मार्वल के नाम से जाना जाता है। मैं फिजिक्स प्रोफेसर हूँ और मैं लिविंग एंटीमैटर रिएक्टर हूँ, और मैं इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल बंदा हूँ, पर मैं मिस्ट्रीज और अनकैनी में स्पेशलाइज्ड हूँ एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तभी हम देखते हैं कि ब्लू मार्वल के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल आ चुका है। तभी ब्लू मार्वल उस स्पेल से पूछता है कि कहो क्या कहने आए हो, जिस पर वो स्पेल ब्लू मार्वल से कहता है कि मैं आखिरी स्पेल बचा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज का, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तभी ब्लू मार्वल देखता है कि उस स्पेल के साथ एक बैग थी जिसमें कुछ चीजें थी। तभी ब्लू मार्वल देखता है कि उस बैग में इटर्निटी मास्क है। अब ये इटर्निटी मास्क दरअसल में वो मास्क है जिसे अगर कोई पहन ले तो उसमें उसके ओपोनेंट जितनी पावर आ जाती है। तभी ब्लू मार्वल वो मास्क अपने जेब में रख देता है। तभी ब्लू मार्वल देखता है कि उस बैग में हेडपीस था। तभी वो स्पेल ब्लू मार्वल से कहता है कि ये जरूरत पड़ने पर इस हेडपीस से ताया द सिक्स कॉस्मोस को बुलाया जा सकता है। अब आप सोचे होंगे कि ये ताया कौन है, तो वेल ताया दरअसल में गैलन की माँ है जिसे गैलेक्टस के नाम से जाना जाता है। तभी ब्लू मार्वल उस बैग से कुछ टैरोट कार्ड्स निकालता है और उस स्पेल से पूछता है ये किस काम का है, जिस पर वो स्पेल ब्लू मार्वल से कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी टैरोट कार्ड्स नहीं है, इसमें से कोई भी कार्ड उठा लो। तभी ब्लू मार्वल एक कार्ड उठाता है और देखता है कि उसमें उसका ही फोटो था, और तब हमें ब्लू मार्वल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये टेन ऑफ वांड्स है, जिसका मतलब है कि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी होगी। तभी ब्लू मार्वल वो कार्ड देखने के बाद उस स्पेल से कहता है कि तुम कोई साधारण स्पेल नहीं हो, तुम तो मैजिक ट्रिक हो, तो बताओ मुझे तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, जिस पर वो स्पेल ब्लू मार्वल से कहता है कि तुम ये रियलिटी कैसी चलती है उससे अनजान नहीं हो, तुमने सदियां बिताई है इसे समझने में, और इसीलिए एकमात्र तुम ही हो जो इस रियलिटी को बच सकते हो, और जब जरूरत होगी तब तुम डिफेंडर्स को भी अरेंज करोगे और लीड करोगे। तभी ब्लू मार्वल कुछ सोचता है और स्पेल से कहता है कि मुझे नहीं लगता। ये कहते ही ब्लू मार्वल एक और टैरोट कार्ड निकालता है। तभी वो स्पेल ब्लू मार्वल से पूछता है कि क्या तुम ये ऑफर ठुकरा रहे हो, जिस पर ब्लू मार्वल कहता है कि मैं किसी उड़ते हुए की बात मानकर नहीं चलूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं अपने हिसाब से डिफेंडर्स की टीम बनाऊंगा, जिस पर वो स्पेल कहता है कि डिफेंडर्स कोई टीम नहीं है। तभी ब्लू मार्वल कहता है कि मैंने हायर अथॉरिटी से कहा है कि वो डिसाइड करे कि मेरी पावर्स के साथ क्या किया जाए इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, तो अगर मल्टीवर्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। तभी हमें वो दूसरा कार्ड दिखाई देता है जो ब्लू मार्वल ने उठाया था, और उस कार्ड में हम अमेरिका शावेस को देखते हैं जिसको बहुत सारी तलवार लगी हुई थी। तभी ब्लू मार्वल वो कार्ड देखता है और जान जाता है कि उस कार्ड में कौन है, लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है। तभी उस शख्स की आवाज सुनते ही ब्लू मार्वल उस स्पेल से कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जिस पर वो स्पेल कहता है कि कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। तभी ब्लू मार्वल वो सारे कार्ड्स फेंक देता है और दौड़कर बाहर आता है। तभी ब्लू मार्वल अपने पोर्टल के पास आता है और देखता है कि वहाँ पर अमेरिका चावेस आई हुई थी। तभी अमेरिका चावेस ब्लू मार्वल से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर ब्लू मार्वल पूछता है क्या हुआ, जिस पर अमेरिका चावेस कहती है कि ये लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में बताओ तो मेरी पावर्स जा चुकी है और मेरी बहन जिंदा है और वो मल्टीवर्स में कहीं है, और उसे ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब ये सुनने के बाद ब्लू मार्वल अमेरिका चावेस से कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ब्लू मार्वल ने जानबूझ के कहा था
क्योंकि उसने वो कार देखा था और वो जान गया था कि अगर अमेरिका चावेस उसके साथ रहेगी तो मारी जाएगी। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल आता है और साथ में वो सारे कार्ड चलाता है। तभी वो स्पेल ब्लू मार्वल को एक और कार्ड दिखाता है जिसमें ताया, कैरेक्टर्स और सिल्वर सफर है। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो ताया के सर पे वही हेडपीस है। तब ये देखने के बाद ब्लू मार्वल उस स्पेल से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी के लाइफ के साथ खेलने का। जिस पर वो स्पेल कहता है कि जब रियलिटी खतरे में होती है तब ये कार्ड खुद ब खुद बन जाते हैं और मल्टीवर्स ही डिफेंडर्स को इनिशिएट करती है। तभी वो स्पेल एक और कार्ड ब्लू मार्वल को दिखाता है जिस पर लोकी है। तभी ब्लू मार्वल ये देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वो हेडपीस अचानक से फ्लोट होने लगता है और अगले ही पल वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से लोकी और ताया आ जाते हैं। और तभी ताया वो हेडपीस पहन लेती है। तभी लोकी को देखकर ब्लू मार्वल कहता है कि तुम तो लोकी हो ना, तो मेरी बात सुनो, अगर इसके बारे में तुम जानते हो तो बता दो। जिस पर लोकी ब्लू मार्वल से कहता है कि मैं वो लोकी नहीं हूँ जो तुम्हें लग रहा है, मैं तब का लोकी हूँ जब मल्टीवर्स खत्म हो रहा था और मेरे साथ ताया भी है। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले लोकी के बारे में जान लेते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो वेल, जब इंकर्शन हुआ था तब मल्टीवर्स खत्म हुई थी, तब लोकी कहीं पर भी नहीं था क्योंकि वो एक डोर के जरिए सीधा इंकर्शन के इवेंट के बाद पहुंचा था। यानी कि सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के दौरान क्या हुआ था इसका उसे कोई आइडिया नहीं है। अब फिर से स्टोरी पर आते हैं। यहाँ लोकी को देखकर अमेरिका चावेस को गुस्सा आता है और वो लोकी को एक जोरदार पंच मारती है। तभी ताया बीच में आ जाती है और अमेरिका चावेस को रोकती है। तभी अमेरिका चावेस कहती है कि मेरी लाइफ अब तक झूठ थी और जब मैंने गॉड ऑफ लाइफ को देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन तभी लोकी कहता है कि तुम्हारे इस हमले के कारण वो स्पेल अब टूट चुका है। तभी वे सब लोग देखते हैं कि वो स्पेल खत्म होते जा रहा था। लेकिन तभी वो स्पेल कहता है कि जब डिफेंडर्स बनेगी तब मिशन शुरू होगा और अब एक कार्ड बाकी है। ये कहते ही वो स्पेल खत्म हो जाता है। तब ये देखकर लोकी वो सारे टैरोट कार्ड्स को उठाता है और कहता है कि ये तो मैजिकल कार्ड्स है। जिस पर ब्लू मार्वल लोकी से कहता है कि अगर कुछ रियलिटी के साथ हो रहा है तो मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन तभी लोकी हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ तो चार है। तब ये देखकर ब्लू मार्वल लोकी को चुप रहने को कहता है। लेकिन तभी लोकी कहता है कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो मल्टीवर्स चाहता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ ऐसे ही आ गया? नहीं, कॉस्मोस चाहती थी कि मैं यहाँ आ जाऊँ। ये कहते ही लोकी वो कार्ड्स देखने लगता है। लेकिन तभी ब्लू मार्वल लोकी को मारने जाता है और ताया उसे रोकने लगती है। तभी लोकी कहता है कि हम रियलिटी में रहकर खतरा क्या है ये कभी नहीं जान सकते है, इसलिए हमें रियलिटी के बियॉन्ड जाना होगा और उसके लिए हमें एक और मेंबर चाहिए। 5 मैजिक का नंबर है और पेंटाग्राम का भी। 5 लाइंस होते हैं और मैजिकल एलिमेंट्स भी और 5 डिफेंडर्स भी। ये कहते ही लोकी एक कार्ड उठाता है और कहता है कि ये रहा वो 5वां डिफेंडर। तभी वे लोग देखते हैं कि 5वें कार्ड में टाइग्रा है। तभी वहाँ पोर्टल खुलता है और उसमें से टाइग्रा आती है और सबसे पूछती है कि ये जगह कौन सी है और क्या हम सब टीम बनने वाले है। जिस पर ब्लू मार्वल कहता है कि हम कोई टीम नहीं है, हम डिफेंडर्स है। लेकिन तभी वहाँ पोर्टल खुल जाता है और वे सारे अंदर खींचे चले जाते हैं। तभी सारे डिफेंडर्स को एक साथ रखने के लिए लोकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सबको एक साथ रखता है। लेकिन तभी वहाँ इटर्निटी आ जाता है और कहता है कि डिफेंडर्स, इस लिमिनल स्पेस में मैं तुम लोगों के लिए एक रास्ता बना रहा हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें मेरे से भी बियॉन्ड ले जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें खुद ही दुश्मन का सामना करना होगा। ये कहते ही डिफेंडर्स देखते हैं कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधकार था और तब ब्लू मार्वल समझ जाता है कि वे लोग ऐसी जगह पर है जो टाइम और स्पेस के बाहर है। और तब उनके सामने वो आ जाता है जिसको हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो शख्स है बियॉन्डर, जो डिफेंडर्स के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं हूँ बियॉन्ड। और इसी के साथ ये सीरीज कंटिन्यू हो जाती है।